हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आर्टिस्ट दुनिया। सो यार लास्ट में तुम लोग को याद होगा, हम लोगों ने बनाया था एक कौन सा फार्म बनाया था भाई? हाँ, याद है, ब्रेड फार्म बनाया था, जो कि थोड़ा पीछे साइड में। तो चलो बाहर जाके दिखाते कहाँ पे बनाया था। मैं पानी डाल रहा हूँ। अरे वेट कर ले, मैं पानी डाल रहा हूँ। जल्दी डालो। आ जा। ओ भाई अब निकल जाएंगे बाहर। चलो ठीक है, अपने ही घर के अंदर बंद हो जाते हैं। चलो उसको साइड रखते हैं, वहाँ देख रहे हो ना दूर पे वो वाला फार्म, ये बनाया था। और ये वर्क भी कर रहा है ठीक ठाक, अच्छा नॉर्मल ठीक ठाक काम कर रहा है। ये इतना भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वर्क कर रहा है ठीक अच्छा। बस कंटेंट दे दिया था। अरे भाई भाई। और देखो आज हम बनाने वाले बोन मील फार्म, क्योंकि बोन मील की बहुत जरूरत है। मेरा ट्री फार्म उससे चलता है, ये मॉसी ब्लॉक वाला, ये मॉस ब्लॉक का जो देता है काम फार्म, ये भी उससे चलता है। मेरा शुगर केन फार्म भी उसी से चल सकता है, अगर मैं शुगर केन लगा वहाँ पे वो लगा दूँ तो। बनाने के लिए देखो मुझे आज बनाना पड़ेगा बोन मील फार्म, ठीक है? तो बोन मील फार्म बनाने के लिए ये सब सामान लगने वाला है, ठीक है ना? तो भाई देखो अभी बोन मील फार्म बनाने के लिए सबसे पहले सामान निकाल लेते हैं, ठीक है? बनाना शुरू ही कर देते हैं अब डायरेक्ट। तो पहले अपना ये प्लैंक्स निकाल लेते हैं। प्लैंक का बनाएंगे स्मूथ स्टोन का। हम तो भैया प्लैंक को वो करते हैं, वोट प्लैंक अच्छा दिखेगा नहीं बना देते हैं। ये थोड़ा सा बनाओ, बना के देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो चेंज कर देंगे। तो इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे एक रेडस्टोन क्लॉक बनानी, बहुत नॉर्मल से स्ट्रक्चर है भाई, बहुत सिंपल, हर जगह यही यूज होता है भाई। कुछ अगर ये नहीं है तो माइनक्राफ्ट नहीं है, ज्यादा हो रहा है नहीं, ये ज्यादा हो गया। इसके अलावा भी होता है बहुत चीजें। यहाँ पे टॉर्च लगानी है, और यहाँ पे रिपीटर लगाना है, और यहाँ पे रेडस्टोन लगाना है। तो अब ये जलना बुझना भाई जी, ये थोड़ा आगे हो गया है, पता नहीं तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? पता नहीं, देखते हैं, रुको एक सेकेंड। पहले तो एक ब्लॉक ले लेते हैं, चार यहाँ पे लगाते हैं। रुक जा यार, अच्छा नहीं लग रहा है। स्मूथ स्टोन का बनाते हो थोड़ा पीछे कर यार, बहुत चिपका हुआ है इस पार्ट का, थोड़ा सा इसको पीछे खिसकाते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों से। तो भाई अभी देख सकते हो थोड़ा पीछे कर दिया मैंने इस वाले फार्म से, और देख सकते हो स्मूथ स्टोन का भी बना दिया, और पिस्टन्स वगैरह भी लगा दिया, और थोड़ा बहुत रेड स्टोन का काम भी कर दिया, ठीक है सिंपल सा। तो भाई अभी आगे काम करना है तो जल्दी से करते हैं वो भी। तो पहले सबसे पहले नीचे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगाने होंगे मुझे इस टाइप से, ठीक है? अब यहाँ पे ये लगाने के बाद मुझे चाहिए होगा एक, ये सैंड चाहिए होंगे, और सैंड को कुछ इस टाइप से रखना है मुझे, दो तीन चार ऐसे। ये सैंड हमें जीती है, सैन एंड्रियास याद दिलाती है, मस्त दिन थे वो भी। साइड करो भाई इसकी बात, अभी माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, माइनक्राफ्ट की बातें करते हैं, ठीक है? तो ये काम हो गया इतना, ठीक है ना? अब इसके बाद देखो क्या करना होगा, पहले तो मेरे ख्याल से इसको फिल करना है पूरा, ठीक है? अरे वैसे मैं बता दूं, मैं इतना कुछ बड़ा नहीं हूं, जो याद कर रहा हो दे ना, अभी पहले कुछ दिन पहले खेला था। तो अभी देखो इसको ऐसे फिल करना है, ठीक है, इस टाइप से, और पता नहीं कैसे कैसे फिल करना था यार, जल्दी से वो काम कर ही के मिलते, क्योंकि मुझे याद नहीं कैसे करना था। तो भाई अभी ज़्यादातर काम मैंने कर दिया, ज़्यादातर क्या फिल करना था चारों तरफ से वो अभी कर दिया मैंने वीडियो देख देख के। अभी मुझे यहाँ पे पिस्टन का काम करना है, तो पिस्टन लगाते हैं जल्दी से, एक सेकंड, ये गलत है, नहीं लगाना है भाई ये वाले लगाना है, ये वाले लिए पिस्टन, ये लगाते हैं जल्दी से, चार पे लगाना है, पाँचवा वाला ये बेकार है, इसको तोड़ देते हैं, और ये भी ख़राब है, इसको भी तोड़ते हैं। ये क्या हो रहा है, ओके टूट गया, और यहाँ पे नॉर्मल पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है? ये इतना काम हो गया हमारा, इसको भी ढकना ही है वैसे, जैसे पहले ढका था, फिल करना है जल्दी, इसको भी फिल करते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी। वैसे मिलते हैं यहाँ, थोड़ा सा फिल ही कर लेते हैं। आ जा भैया। आ रहा जल्दी, ठीक है जल्दी से करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है ना? तो भाई अभी देख सकते हो ये काम भी हो चुका है, ऐसे फिल कर दिया है, और एक ब्लॉक आगे एक्सटेंड भी कर दिया, ठीक है? तो ये फिल करने के बाद अब सिंपल सा थोड़ा बहुत काम बचता है, जो कि है यहाँ पे तोड़ने के बाद मुझे चेस्ट चाहिए होंगे, ठीक है? ये रहे चेस्ट और हॉपर। अब पहले यहाँ पे चेस्ट लगाने इस टाइप से, दो तीन चार, और यहाँ पे भी एक दो, अरे खड़े क्यों हो गए, बैठना पड़ेगा, एक दो तीन चार। अब मुझे वहाँ जंप करके जाना पड़ेगा, अरे मजा आ गई, अरे यार अब फिर से लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, नीचे से भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग भी गया। अभी देखो क्या करना है, नीचे की साइड में ऐसे देखते हुए सारे के सारे वो हॉपर्स लगाने हम लोग को, ऐसे से, ठीक है? और ये ऐसे, ठीक है? इतना काम हो गया। अब हमें चाहिए होगा कंपोस्टर कहते हैं ना, कंपोस्टर ही है ये। अब इसको ऐसे लगाना है, देखो यहाँ पे इसके हॉपर के बाद क्लिक करके, क्या ही ग्राफिक्स है कंपोस्टर के, आ मजा आ गई। तुम्हारे तो कभी होंगे नहीं, लेंगे लेंगे, अच्छा फोन भी लेंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे ये करना ऐसे,
अच्छा बोला, फोन को छोड़ो आगे काम करते, फार्म बनाना बड़ा सा। तो अभी पहले एक बार ये वाला ब्लॉक कोड को थोड़ा नीचे चले जाते हैं, ऐसे दिखेगा नहीं उनको सही से। तो अब यहाँ पे इस टाइप से हॉपर लगाने हमें, ठीक है, देख लो ऐसे से, और एक यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये काम हो गया। अब इसको फिल कर देते हैं वापस से डर्ट से। ये डर्ट नहीं, कंपोस्टर है इसको कहते हैं। अरे यार ये कंपोस्टर से नहीं फिल करना है, डर्ट से। फिर हे भगवान। अच्छा डर्ट इन्वेंटरी में, डर्ट कैसा लग रहा है भाई थोड़ा बहुत। वैसे चलो इस सबको साइड में रखते हैं, आगे बनाते क्या करना है देखते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पीछे रजिस्ट्रेशन का काम था वो भी मैंने कर दिया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, इधर छोटा सा काम था। अब बस एक काम बचा है, यहाँ पे लैडर्स लगाना है, ठीक है। तो लैडर्स लगा के ऊपर चल के दिखाते हैं उन्होंने अंदर ओए क्या करा ओए, है। कैसे लग रहे थे तुम अभी हमें, ऐसे लग रहे थे कि तुम चलते जा रहे हो, लैडर्स लगती जा रही है। और क्या भाई, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं तुम्हें खोल के दिखाते हो ट्रैप डोर, अंदर देखो पानी है और वहाँ पे केल्प लगा हुआ है। वैसे यहाँ से नहीं दिख रहा अच्छे से, तो तुम लोग को चलो नीचे से दिखाते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमने ऊपर साइन बोर्ड लगाया और नीचे केल्प है और वाटर है और सामने की तरफ यहाँ ग्लास पेन लगा हुआ है। तो भाई चलो इसको ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भाई देखो खाना खाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो भाई समझो ना खाना खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तुम खाना लोग भी खा लो, काम करेंगे, तुम भी खा लो भैया जो खाना तुम्हें। अरे शुरू भी कर दी मशीन भाई, बहने लगा भाई इस वजह से, भाई केल्प बह रहा है भाई, उग नहीं रहा, बह रहा है भाई। ओए ओए आ रहा है कंपोस्टर में, कंपोस्टर में आ रहा है, चेस्ट में भी आने लगेगा जैसे ही कंपोस्टर भर ये आने वाला है, आने वाला है, वेट करो। आ गया भाई, आ गया, दो आ गए एक साथ, अगर इसमें आया तो इस वाले में भी आया होगा, एक आ गया भाई इस पे। देखा भाई बहुत ही सही फार्म है भाई, एकदम हमें तो लग रहा है 15 मिनट छोड़ दो पूरा चेस्ट ही भर जाएगा। अरे भाई इससे हम लोग ड्राइड केल्प फार्म भी बना सकते हैं, और ड्राइड केल्प फार्म से शायद से हम लोग वो भी बना सकते हैं ब्लॉक ऑफ ड्राइड केल्प, उससे हम लोग स्मेल्ट भी कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ केल्प, हाँ उससे गाइस स्मेल्टिंग भी कर सकते हैं। और देख लो क्या ही मस्त स्पीड में चल रहा है, कितना ही मस्त लग रहा है भाई चलने में, एकदम यहाँ से हम लोग चेस्ट देख सकते हैं, पता हाँ हाँ देख सकते हैं, चल रहा है भाई चल रहा है, चेस्ट चल रहा है, 7 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, कितने आ गए, 8 इसमें आ गए भाई, बहुत ही सही भैया फार्म तो बहुत सही, इसमें देखो आता जा रहा है निकलता जा रहा है, मतलब बहुत ही सही काम कर रहा है फार्म, एकदम मस्त काम कर रहा है भाई, तुम लोग भी बनाना बहुत ही सही था मेरे। अरे क्या ही मस्त प्रोडक्शन है भाई इसकी, वाटरमेलन भी है अंदर, देखो क्या ही दिख रहा है भाई, कंपोस्टर में हम लोग खाना पीना डालते हैं ना उसमें, तो वो कंपोस्ट होता है, तो वही दिख रहा है एकदम आर्टिस्ट में। वैसे अगर आज का काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नाओ चैनल सब्सक्राइब करना, अभी तक तुम लोगों ने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम और डिस्काउंट वो भी कर दो भाई, आज वीडियो में तब तक गुड बाय।